तो दोस्तों आज का जो टेम्पलेट है थोड़ा अलग टाइप का है, और आप भी अगर इस तरह स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो अपना फोन पे, तो सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप का नाम है एबी प्लेयर। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एबी प्लेयर प्रो का लिंक दे दिया हूँ, उसी लिंक से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए इस तरह वीडियो पाने के लिए, और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ऐप डाउनलोड करने के बाद ये जो ऐप है इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो सबसे ऊपर में जो बॉक्स की तरह आइकन होगा उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे बीच में लिखा रहेगा लोड फ्रॉम फाइल, तो इधर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको एक टेम्पलेट डाउनलोड करना पड़ेगा। टेम्पलेट का लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको टेम्पलेट डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, टेम्पलेट डाउनलोड कैसे करें वो वीडियो पहले देख लीजिए। टेम्पलेट डाउनलोड होने के बाद जिस फोल्डर पर रहेगा उस फोल्डर को ओपन करना है। उसके बाद टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। टेम्पलेट का जो नाम रहेगा विजुअलाइजर AP192। टेम्पलेट सिलेक्ट करने के बाद देखिए लास्ट में जो बॉक्स है उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद बैकग्राउंड पे कुछ इस तरह आ जाएगा। ऊपर में सेकेंड नंबर पर जो पेंसिल का आइकन होगा उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एकदम नीचे आना है। नीचे आने के बाद देखिए इधर एक ऑप्शन मिलेगा कॉम्पोजिशन 3, और उसका नीचे एक इमेज लिखा है तो उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में इमेज पे क्लिक करना है। उसके बाद कस्टमाइज पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आके पिक इमेज पे क्लिक करके इधर आपको इमेज सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस इमेज पे आप वीडियो बनाना चाहते हो। तो मैं इधर एक इमेज सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, और इसका लिंक भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इमेज सिलेक्ट करने के बाद बैक आ जाना है। उसका नीचे लिखा है टेक्स्ट तो उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में अपीयरेंस पे क्लिक करना है। उसके बाद मेरे चैनल का नाम के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से मेरे चैनल का नाम के ऊपर क्लिक करके आप अपना चैनल का नाम या तो फिर अपना नाम दे दीजिए। उसके बाद बैक आ जाना है। उसके बाद ऊपर में आना है। ऊपर में आने के बाद देखिए इधर आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, दो ब्लूआर इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो आपको फर्स्ट वाला ब्लूआर इफेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में जनरल पे क्लिक करना है। उसके बाद इधर आपको विजिबल कर देना है। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। उसके नीचे और एक ब्लूआर इफेक्ट आपको मिल जाएगा, उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड में जनरल पे क्लिक करना है। उसके बाद इधर आपको फिर से विजिबल कर देना है। उसके बाद बैक आ जाना है। बैक आने के बाद देखिए लेफ्ट साइड में ऊपर में जो तीन लाइन है उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद लाइब्रेरी पे जाना है। लाइब्रेरी पे जाने के बाद इधर आपको गाना सिलेक्ट करना पड़ेगा जिस गाना पे आप वीडियो बनाना चाहते हो। गाना सिलेक्ट करने के बाद फिर से वही तीन लाइन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद विजुअलाइजर पे जाना है। उसके बाद राइट साइड में ऊपर में जो एरो का आइकन होगा उधर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इधर आपको चॉइस प्रीसेट पे क्लिक करना है। उसके बाद सबसे ऊपर में जो ऑप्शन आएगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आके इधर आपको एक्सपोर्ट पे ही क्लिक करके वीडियो सेव करना है, तभी आपका जो वीडियो है फुल वीडियो में सेव होगा। अगर आपका वीडियो सेव में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या तो फिर टेम्पलेट लोडिंग के टाइम वार्निंग ओल्ड वर्जन करके कुछ एरर आ रहा है तो उसका बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह वीडियो पाने के लिए तब तक के लिए जय हिंद।